हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ही एंड व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं, कुछ अनप्लान्ड ट्रिप बनाई है हमने और कुछ अनप्लान्ड जगह पर। तो लेट्स चेक वो जगह कौन सी है। आपको रास्ते में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और बहुत मज़ा आएगा। वहाँ के रास्ते तो मतलब बहुत ही अमेजिंग है, यू विल गोना एंजॉय इट। एक टाइप का जन्नत है, हम जन्नत पे जा रहे हैं। आज वीकेंड है, सैटरडे संडे को हम ट्रिप मनाएंगे और संडे कल रात को वापस आएंगे। तो पूरा व्लॉग एंड तक देखना। निकल चुके हैं हमारी सफ़र के लिए। हम बहुत टाइम के बाद घूमने जा रहे हैं। मैरिज के बाद एक बार गए थे, उसके बाद शायद ये पहली ट्रिप है। और कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। हार्दिक बहुत एक्साइटेड है। सकते हो हार्दिक गया है एटीएम में, एटीएम मशीन में से थोड़े पैसे लेंगे, क्योंकि पैसे के बिना कहाँ कुछ चलता है। सब जगह पैसे चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए ही होगी। કેટલા પૈસા ઉપાડ્યા છે? 2000 ઉપાડ્યા હવે ખાતા માં। 2000 માં શું થાય અત્યારે? 2000 માં તને કોઈ રેવાય નહીં દે, પેટ્રોલ નહીં નહીં થાય પૂરા। 20000 ઉપાડ્યા કે? 20000 ઉપાડ્યા ને તો બે દિવસમાં 20000 રૂપિયાનો ખર્ચો બાપા રે, એટલું બધું કરાય ના કરાય। જિંદગી સે જસ્ટ પ્યાર કીએ જા। तो हम जा रहे हैं आबू, राजस्थान माउंट आबू में, और वहाँ 2 दिन रुकेंगे और फुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि स्पेशली वहाँ के जो रास्ते हैं उसका मजा लेने के लिए हम जा रहे हैं। ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे ही यूं ही रात को कुछ डिसाइड किया कि चलो जाते हैं, और सुबह डिसाइड किया कि आबू जाते हैं। तो हम निकल चुके हैं और हार्दिक को कुछ बताना है। अगर आपको भी आबू जाना है तो यही वाला रास्ता लो, मेहसाणा से पालनपुर और पालनपुर से आबू रोड। ये रास्ता भी अच्छा है और ट्रैफिक भी मीडियम है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये रास्ता बहुत अच्छा है, यहाँ ये वाला रास्ता एकदम नया बना है, तो आप ये वाला रास्ता ही चूज करो अगर आप अहमदाबाद साइड से या राजकोट साइड से आबू जाने का डिसाइड कर रहे हो तो। बहुत ही अच्छा है, वी आर एंजॉयिंग द रोड। तो हम अभी सिद्धपुर पहुंचे हैं, वहां से बाहर निकले हैं और यहां से हम जाएंगे पालनपुर, पालनपुर से फिर डायरेक्ट आबू। हाईवे पे है और बहुत भूख लगी है, देखते हैं अगर कुछ हाईवे पे मिल जाए अच्छा सा खाने के और मजा आ जाए तो। ये हम आ गए हैं पालनपुर में। पालनपुर में हम ढूंढ रहे हैं अगर कहीं पर होटल मिल जाए तो, क्योंकि बहुत भूख लगी है। कोई होटल तो नहीं मिली, लेकिन जो भी मिला है हमने ये मंगवाया है। ये खा रहे हैं हम आइसक्रीम हैवमोर की। बाहर इतनी गर्मी है, मतलब ये आबू का रोड स्टार्ट हो गया है और आप लोकेशन देख सकते हो, मतलब हर जगह माउंटेन माउंटेन, ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई रही है और एटमॉस्फेयर भी मतलब अच्छा है यहाँ का, इतना मतलब लग नहीं रहा है अभी धूप जैसा। ये देखो इसके पीछे क्या लिखा है, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। सही बात है, सही बात है। नहीं सोचो मतलब साथ में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। देखो ट्रैफिक और इतना बड़ा खटारा आप देख सकते हो, खटारा नहीं बोलते उसको, ट्रक बोलते हैं, लेकिन क्या क्या वायर के साथ क्या चल क्या रहा है देख सकते हो आप, क्या बांधा रखा है। इतनी ट्रैफिक है कि मतलब वायर भी हटाना पड़ा तब ये निकला है, वो भी साथ में लेके निकल गए तो। अरे बाप रे, सामान वामन साथ में है इसके। इतना बड़ा पूरे रोड में आ गया हो, इसके व्हील तो देखो आने कितने व्हील्स है। 60 तो होंगे। 60 क्या 60 बोल रहे हो, उससे ज्यादा हो गए। एक लाइन में 4 और उस साइड 2, 6 व्हील। दो नहीं, उस साइड भी 4 ही है, 8। एक लाइन में 8 व्हील और बाकी के व्हील तो साथ में लेकर घूम रहे हैं, 10 तो साथ में लेकर घूम रहे हैं। बाप रे। देखना है और मैंने मैप में नहीं देखा और
हम निकल चुके हैं कहीं और रास्ते पे, अभी हम वापस घूमेंगे और फिर जाएंगे आप वाले रास्ते पे। सॉरी करता हूँ। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, अभी चढ़ाई चालू कर रहे हैं और ट्रैफिक तो दिख ही रही है वैसे, और नीचे भी काफी होटल्स दिख रही है। अभी तक हमने रूम बुक नहीं करवाया है। ये देखो राजस्थान, स्वागतम टू माउंट आबू, 20 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 20 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप ऊपर चढ़ना है। ये आया माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के रोड्स बहुत मस्त है, मतलब टर्न्स आते हैं और व्यू भी साइड में से बहुत अच्छा दिखता है। बहुत मज़ा आया था और उसमें भी मतलब सॉन्ग चल रहे हो गाड़ी में तो इतना रोमांटिक एटमोसफियर है कि बात ही मत करो। कोविड टू कॉल होल्ड हियर, यू कैन सी दी एटमोसफियर आउटसाइड, बहुत अच्छा है लोकेशन यहाँ पर। और हार्दिक कैमरा का सेटिंग कर रहा है, फोटो शूट करेंगे यहाँ पर, देख सकते हो कैमरा का सेटिंग चल रहा है यहाँ पर, फोटोज बहुत अच्छा है। पहाड़ों वाला बुट्टा है, हम खाएंगे और एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आ रहा है। नेचर का एंजॉय लेते हुए हिलू भुट्टा खा रही है। यहाँ पर छोटा सा झरना भी है। ये देखो ये भुट्टे का फुल एंजॉयमेंट ले रहा है बंदा, मतलब आप देख सकते हो कैसे एंजॉय करके खा रहा है। और यहाँ का मतलब लोकेशन बहुत मस्त लग रहा है, पानी आ रहा है और एकदम ठंडा पानी है और ऊपर से कहीं से आ रहा है झरना। बंदर देख रहे हो आप, बंदर जैसे ही है। और ये एक मेरा बंदर देख रहे हो आप। रीच हो गए हैं यहाँ पर और अभी हम होटल ढूंढेंगे क्योंकि हमारे पास बुकिंग नहीं है, हम ऐसे ही नहीं। तो ये हमको रूम मिला है, एक ही रूम अवेलेबल था, कुछ ऐसा है नॉर्मल सा मिनिमलिस्टिक, अच्छा है वैसे। नहीं अच्छा है, यहाँ पर हम बैठ भी सकते हैं, आराम से चाय पी सकते हैं, बस तो वही करना है। और यहाँ से हम रेडी हो सकते हैं। तो ये देखो हम रेडी हो रहे हैं और मतलब अभी यहाँ से हम जाएंगे सनसेट पॉइंट पर। होटल पर हम रुके हैं माउंट विंग्स, बहुत ही अच्छा होटल है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आना। बहुत जेन्युइन स्टाफ है यहाँ पर, सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो अभी हम जाएंगे नाश्ता करने, बहुत भूख लगी है, मतलब सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से होटल मिली है। और हम क्या नाश्ता करेंगे वो तो मतलब हार्दिक बताएगा, हार्दिक क्या खाना है ढूंढेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब हम जाएंगे बाजार में, देखते हैं क्या मिलता है।
और फिर वापस हमें होटल पे जाना है। होटल बहुत अच्छी है, हमें अच्छी लगी है क्योंकि ये वाली प्राइस पे वीकेंड में होटल नहीं मिल रही थी, और हमें जो मिल गई है मतलब वी आर लक्की। अगर आप भी अगर वीकेंड में आना चाहते हो तो प्लीज ट्राई माउंट विंड्स राइट। कार पार्किंग कर रहे हैं और उसके बाद हम घूमेंगे, पहले तो कुछ खाएंगे उसके बाद। ये देख रहे हो आप सब, अच्छी मार्केट है यहाँ पर और एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा है, गर्मी नहीं है बहुत। अरे यू वांट टू बाय गॉगल्स? आई डोंट वांट यू। तो अभी हम यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं, चाय नेसेसरी और पहाड़ों में चाय पीने का मजा ही कुछ अलग आता है। यहाँ पर फुल चाय मिलती है। ये देखो ये अंकल चाय बना रहे हैं। ये देखो हमारी एक चाय में से दो चाय कटिंग चाय। आई थिंक वेयर वी आर गोइंग नाउ बट वी विल गोइंग टू सी द व्यू एंड लोकेशन। एंड वहाँ पर बोला गया है कि टिकट्स भी है कुछ 86 रुपीज पर हेड है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या लोकेशन है और चल के भी जाना है हाफ किलोमीटर नहीं। अगर आपको घोड़े में जाना है घोड़े में बैठ के भी ले जा सकते हैं, और ये जो ट्रोलियाँ घूम रही है उसमें बैठ के भी लेकर जा सकते हैं। नाइस लोकेशन ओवर हियर, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आपको। हाँ ऐसी ट्रोली में बिठाई कर सेकेला हो रहा, उसको बोल रहे टाइम पास ले लो टाइम पास। टिकट लेनी है यहाँ से, ये टिकट बारी है यहाँ। हाँ टिकट 174 दिखा दो एक बारी। ये ट्री देखो आप कितना अच्छा है। और मैं भी जा रही हूँ, नीलू भी जा रही है। मजा भी आ रहा है, मस्त ठंडा ठंडा कुलकुल रग लग रहा है। पहाड़ों में जाने का मजा ही कुछ और है, क्या बोलते हैं तू? अरे बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना तेरे को? नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है। अरे हाउ आर यू फीलिंग? फाइनली गाइज हम पहुंच गए सनसेट पॉइंट पर, और यहाँ पर मतलब बहुत ट्रैफिक भी है और व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर बैठ के हमने थोड़े कुछ फोटोज खींचे हैं, देखो मैं पोज दे रही हूँ ना, थोड़े पोज दे के फिर फोटोज खींचे हैं। तो हम सनसेट पे पहुंच गए, अभी आपको दिखाएंगे यहाँ का लोकेशन। यहाँ का लोकेशन बहुत अमेजिंग है, लेट्स चेक कि यहाँ पर कैसा लग रहा है। और सनसेट पॉइंट बोलते हैं इसको आप। सो दिस इज अ सनसेट पॉइंट ऑफ आबू। कैमरे के अंदर ये जस्टिस नहीं कर रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा चढ़ाई ज्यादा है पर यहाँ से शायद लोकेशन बहुत अच्छा आने वाला है। थक जाओगे लेकिन लोकेशन देखने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। जो पानी दिस इज जस्ट सुकून मिला नहीं।
ये हम फोटो शूट कर रहे हैं इल्लू का, नौटंकी है बहुत बड़ी, लोकेशन देखा नहीं और फोटो शूट के लिए खड़ी हो गई। I loved it. I just loved it. Click, 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 click. ये देखो ये हमारा वीडियोग्राफर फोटोग्राफर मल्टीमिक्स। हम पहुंच गए हैं वापस से सनसेट पॉइंट पे, इतना चढ़ के और मजा आ गया, लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत कम चढ़ना है, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, व्यू बहुत मस्त है, बहुत मतलब आपको लगेगा कि आप हिमाचल प्रदेश साइड हो, ऐसा नहीं, ठंडी और एकदम दिख रहा है आपको सनसेट पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत अमेजिंग है। गार्डन जैसा है तो हम वहां पर आए हैं, ये भी अच्छा है, एटमॉस्फेयर और अच्छा व्यू है, नहीं चूल्हा झूलने के लिए ये बच्चों के लिए, तू किसी एंगल से बच्ची नहीं लग रही है, ढांगरी लग रही है, ढांगरी। ये आए हम माउंट आबू की मार्केट के अंदर, शॉपिंग मार्केट है ये, क्या लेना है तुझे इलू? ये एक्चुअली वुलन मार्केट है, नाइट ड्रेस मार्केट लग रही है, वुलन कम नाइट ड्रेस मार्केट लग रही है ये। ले लो। See this? This is a mug. You can drink water but feel like a beer. बस तू ऐसे ही बोलना। तेरे को बियर ही चाहिए। 100 रुपीस में। ये हिलू भाई पर्स देख रही है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं वापस और अब हम जाएंगे खाना खाने, ठूसने। पर्टिकुलरली रेडी नहीं, हमने नाइट ड्रेस पहना हुआ है। हाँ नाइट ड्रेस पहन लिया है क्योंकि मतलब अभी थोड़ा रिलैक्स मोड चाहिए, नहीं तो देखते हैं हम क्या खाना खाते हैं। और आप देख सकते हो दोनों नाइट ड्रेस में, ये बंदा चड्डे में आ गया है और मैंने फुल नाइट ड्रेस लिया था तो मैंने फुल नाइट ड्रेस पहना है। अभी हम वॉकिंग करके ही जाएंगे क्योंकि रात का मजा भी अलग है यहाँ पर लेने का, तो हम वॉकिंग में निकले हैं, गाड़ी हम पार्क कर दी है। हम यहाँ जाना चाहते हैं होटल अर्बुडा में, तो हम यहाँ पर यहाँ जा रहे हैं खाना खाने के लिए होटल अर्बुडा। वीडियो ले चीज मैसूर मसाला और एक पाव भाजी। ओ माय गॉड, फुल ऑफ चीजीनेस, यम्मी। अभी कैसा है टेस्ट में? जबरदस्त मुखवास। बारिश चालू हो गई है तो हम फटाफट से होटल पे जाते हैं क्योंकि हम चल के आए हैं, पूरे भीग जाएंगे। बहुत बारिश आ रही है, बहुत जबरदस्त ऐसी बारिश हुई है, हमें यहाँ खड़ा रहना पसंद चालू है। हम यहाँ पर एटीएम के पास खड़े हैं क्योंकि यहाँ से जा नहीं सकते, इतनी बारिश आ रही है, फुल तेज बारिश। हम भीग गए हैं, आधे भीग गए हैं, पुराने भीग नहीं, इसकी वजह समझा नहीं रहे।